फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैंने अपनी बहुत पुरानी ड्रेसेस निकाली हुई थी। मैंने कहा था कि लाओ देखती हूँ ट्राई करके, क्योंकि मुझे नेक्स्ट मंथ घूमने जाना था। तो मैंने कहा क्यों फालतू में खरीदूँ, सब रखी हुई है, शादी से पहले की ड्रेस थी ये। तो आज मैंने ट्राई करने के लिए निकाला था। तो यहाँ पर टैडी को मतलब इतना लग रहा था कि ये मैंने इस तरह की ड्रेसें क्यों निकाली है, और वो उसके पीछे ही पड़ गया था। और मैं जब कही कि लाओ ट्राई करूँ तो ये पीछे पड़ गया था, सारे कपड़े मेरे पकड़ पकड़ के खींच रहा था। देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कह रहा हो कि मैं पहनूंगा, आप नहीं पहनोगी और मुझे दे दो, मैं ट्राई करूंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, कोई भी नए कपड़े होते हैं, कुछ भी होता है ना, तो ये ऐसे ही पकड़ के खींचता है। चाहे शीट भी हो, अगर कोई शीट भी अगर मैं तय वह करती हूँ तो ये ऐसे ही पकड़ के खींचता है और कहता है कि मतलब इसके ऊपर डालने को। ये मतलब ये चाह रहा था कि ये सब कपड़े ना इनके ऊपर इनको पहना दो और ये इनके साथ फिर खेलो। फिर मुझे गुस्सा आता है तो मैं इसको डांटती हूँ कि क्यों, क्या कर रहे हो, और कितना भोला बन जाता है। और कैमरे की तरफ देख रहा था कि अच्छा मेरी वीडियो इस तरह से बना रहे हो डांट खाते हुए, और फिर मानता थोड़ी ना है। फिर यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं पहन के आ गई और आज भी वैसी ही मतलब फिटिंग है जैसे पहले हुआ करती थी। यानी कि मैं अभी तक मोटी नहीं हुई हूँ और वैसे ही थोड़ी बहुत फिट हूँ। और ये दूसरी रेड वाली ड्रेस भी मैंने ट्राई की थी, तो टैडी को देख के मतलब ग्रीन वाली ड्रेस देख के टैडी बड़ा मतलब आगे पीछे घूम रहा था, और ये रेड वाली ड्रेस को देख के इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उसको, यानी कि उसको ये कम पसंद आई थी। तो मैं देख रही थी वाकई में मतलब अभी भी मतलब ठीक है, आ सकती है ये सारी मतलब ये दोनों ड्रेस मैं पहन के जा सकती हूँ घूमने। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि ये ड्रेस ज़रूर जाऊँगी पहन के। और ये देखिए यहाँ टैडी की स्टिक आई हुई थी, नई स्टिक थी, इसको खाने का मन किया। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं दूंगी, थोड़ा सा इसको परेशान करूँगी। तो बेचारा ये कह रहा था कि खोल दो या इसको दे दो, ये महाशय जी खोल लेंगे और खुद खाएंगे, देखो कैसे फ्रेंड्स किस तरह से कर रहा है। तो मैंने एक निकाल के दे दी और ये अपना लेके गया। और जाके क्या करेगा, पहले ड्रामे करेगा। काफ़ी दिनों के बाद ये स्टिक मिली थी, क्योंकि अभी इसकी ख़त्म हो गई थी, तो ये अपना टाइम पास इसी से करता है। और आज कुछ ज़्यादा ही इसके ड्रामे हो रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था कि आज ये उछल कूद मचाया जा रहा था, उधम मचाया जा रहा था। फिर मैंने कहा कि अच्छा इसकी इतनी मतलब ड्रामेबाजी चल रही, तो लाओ हम भी क्यों ना इसके साथ कुछ ड्रामा करते हैं। तो मैंने कहा कि ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ना, तो मैंने इसको गुड़ी के ना पैकेट्स थे उसको मैंने सुंघाया, फिर ये मेरे पीछे पीछे आया और मैं इसके साथ थोड़ा सा डांस करने लगी, मस्ती करने लगी। और इसी तरह से ये देखिए फ्रेंड्स कैसे खड़े होके हाथ देता है कि दे दो दे दो। बस सच बता रही हूँ, ये बोल नहीं सकता, लेकिन अगर ये बोलता तो वाकई में सारा दिन पटर पटर इसकी जबान चलती। और देख लीजिए किस तरह से मतलब गुड़ी का पैकेट ही था और उसी के पीछे ये सोच रहा था कि मम्मी ने गुड़ी ले रखी है। और मैंने भी इसके साथ खूब मस्ती की, खूब इंजॉय किया। हम लोग फ्रेंड्स इसी तरह से अपने घर में चारों लोग अपना एक साथ मस्ती करते हैं, और उसको कोई इंटरेस्ट आ नहीं रहा था क्योंकि पॉलिथीन मिल गई थी ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पे दृक्ष जब फंस गया तो कैसे भागा पॉलिथीन लेके कि इसकी कहीं कोई पॉलिथीन छिना ला ले। तो ये देखिए कैसे आके किचन में मेरे पास खड़ा हो गया। फिर मैंने इसकी गुड़ी का पैकेट रखा था और वहाँ पे एक छोटी सी मतलब पीस रखा था, तो वहाँ मूड़े पे खड़े होकर इसने वहाँ से वो पीस उठा लिया। इतना आतंक मचा रखा है इसने गुड़ी का, तो ऐसा दीवाना है कि क्या ही बताऊँ फ्रेंड्स। फिर क्या होता है, रात हो जाती है, फिर अब दक्ष की बारी। अब दक्ष सोचता है कि मम्मी ने खूब खिला लिया तो अब मेरी जान से। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे किस तरह से दौड़ रहे हैं ये दोनों, और ये ब्रेक कैसे लगाता है इसको। सच में मुझे देखते ही इतनी हंसी आती है जब ये ब्रेक लगाता है। ये देखिए तो मतलब इस तरह से इसने आज सारा दिन उधम मचाया है। आज इसको इतनी एनर्जी थी कि क्या बताऊँ। अब इसको पता चल गया कि पापा आ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इनके फेवरेट पापा आ जाते हैं और ये अब उनसे भी पूरी फुल एनर्जी से खेलेगा, गुड्डी मांगेगा, बिस्किट देंगे इनके पापा इनको, तब जाके ये इनको बैठने देता है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ये हम सबका प्यारा है, दुलारा है, और हम लोग की सोच लीजिए जान है। बहुत हम लोग मतलब इसके बिना तो रह ही नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स टैडी से ही घर में रौनक बनी हुई है और चहल पहल रहती है। जब से टैडी आया है सच में हम लोगों की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, एनर्जी ही एनर्जी है, और हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से आज का हमारा व्लॉग रहा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टैडी का और हमारा व्लॉग आपको कैसा लगा।
अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।